प्रभावित होकर के इस तरह हमको बदनाम करने के लिए उस तरह लोग रकब रकब कर दिया। उसमें मेरा कहीं भी कोई कंसेंट नहीं था कि आप लोग अस्पताल में अस्पताल के गेट पर इस तरह का चिस्पानी करेंगे। तो मैं चाहूँगा अब उन लोगों को चिन्हित करके फिर कार्रवाई करूँगा कि भाई क्यों इस तरह का किसी इजहार करने का बहुत सारा तरीका होता है, ये तो नहीं है। तरीका सर, मैं मनुष्य शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर के पीएससी प्रभारी को पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद जश्न मनाना पड़ सकता है महंगा। आपको बताते चले कि बीते दिनों औराई पीएससी में औराई पीएससी प्रभारी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद पीएससी के अंदर जश्न का माहौल देखा गया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था। जिसके बाद मामले में पूछे जाने पर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन उमेश चंद शर्मा ने बताया कि एक वीडियो जश्न मनाने का मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है। उसमें जो भी दोषी होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर सीएस उमेश चंद शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। आतिशबाजी और जश्न का एक वीडियो है। जैसे ही हमको मैसेज मिला वैसे ही वहाँ के जो प्रभारी है, उस समय नहीं था वहाँ, वो छपरा में था जहाँ उसका बच्चे का जन्म हुआ था, वहाँ से कहा कि सर हम कहीं किसी को नहीं कुछ कहे हैं कि इस तरह का आतिशबाजी करने के लिए, कुछ नहीं, लेकिन वो लोग सिर्फ हरा लोग है या कहीं से कोई प्रभावित होकर के इस तरह हमको बदनाम करने के लिए उस तरह लोग रकब रकब फोड़ दिया। उसमें मेरा कहीं भी कोई कंसेंट नहीं था कि आप लोग अस्पताल में अस्पताल के गेट पर इस तरह का आतिशबाजी करेंगे। जब मैं चाहूँगा अब तो उन लोगों को चिन्हित कर करके कार्रवाई करूँगा कि भाई क्यों इस तरह का खुशी इजहार करने का बहुत सारा तरीका होता है, ये तो नहीं है तरीका। एक आध का आवाज़ आया था, हम लोग तो वहाँ नहीं थे, लेकिन जो भी मैंने वीडियो में दिखाई दिया एक कोई किया था, आवाज़ नहीं किया था, लेकिन कुछ आतिशबाजी लाइट उसमें से निकल रही थी। रिपोर्ट मांगी गई हाँ धन्यवाद। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका मामला संज्ञान में आया है, वही वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और